पेनिस का मालिश कब करें? क्या पेनिस मालिश से लिंग की लंबाई बढ़ती है? क्या सिकुड़ना कम होता है? ऐसे सवाल लेके लोग हमारे पास में आते रहते हैं, तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। हर व्यक्ति पजेस्ड है कि भाई मेरा है ना लिंग छोटा है, लिंग बढ़ना चाहिए, और वो बढ़ने के लिए फिर जो चाहे मर्जी वो करने को तैयार है। अभी छोटापन कहाँ से आया कि छोटा है? उसको तो एक एक दो दो बच्चे हैं, तीन तीन बच्चे हैं, फिर छोटा कहाँ से? क्योंकि उसने पॉर्न देखी हुई है। पॉर्न वीडियोज में उसने देखा है कि लिंग की लंबाई 7 इंच 8 इंच है, वो लड़की चिल्ला रही है और उनका वो सेक्स बताते रहते, उनको लगता है कि अपना ऐसा नहीं होता, इतनी अपनी औरत चिल्लाती नहीं है, इतना अपना लिंग का साइज लंबा नहीं है, तो अपने को कुछ तो भी करना चाहिए। फिर कुछ लोग कॉमन टॉयलेट जाते हैं, वहाँ कोई आदमी का देख लेते कि भाई उसका बहुत बड़ा है, लंबा है, अपना छोटा है, ऐसा उनको लगता है, और फिर उससे पजेस्ट होके वो फिर हमारे पास में आते रहते हैं। देखो, आज के इसमें समझो आपने पूछा कि भाई क्या लिंग की लंबाई बढ़ सकती है, क्या कुछ स्टडीज़ है क्या? तो उसका जवाब है हाँ और उसका जवाब है ना, क्योंकि ऐसे कन्फर्म स्टडीज़ नहीं है, ऐसा कन्फर्म वे नहीं है कि लंबाई बढ़ सकती है। हमारे पास में जब आते हैं लोग तो हम बोलते हैं कि भाई 1.5 इंच से कम नहीं है ना, तो फिर चिंता मत करो, 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए, लंबाई कितनी भी हो सकती है, क्योंकि 1.5 इंच तक का ही योनि में अंदर सेंसेशन है। मतलब कितना भी लंबा रहा और औरत को पूछा कि भाई कितना लंबा है, क्या लगता है आपको, क्या फील होता है, तो बोलेंगे 1.5 इंच, क्योंकि अंदर सेंसेशन है नहीं, फिर क्यों चिंता करना। तभी भी मैं आपको बताऊँगा पेनिस मालिश का तरीका। 40% लोगों को इससे फायदा हो सकता है और 1 से 2 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ सकती है। और आप कीगल एक्सरसाइज के साथ में यह करते हैं तो 60% लोगों को फायदा इसका हो सकता है। ये कैसे करना? तो आपने कोकोनट ऑयल मतलब खोबरे का तेल थोड़ा गुनगुना गर्म करना है। पहले लिंग को साफ करना है, आसपास के पूरे बाल निकाल डालो, एकदम स्वच्छता करो, चमड़ी पीछे करो, चमड़ी के नीचे स्मेग्मा जमा रहता है, साफ करो उसको, सफ़ेद पार्टिकल्स रहते उसको साफ करो, लिंग पूरा क्लीन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्किन है, स्किन पीछे नहीं हो रहा है तो सुनता कर सकते हैं, खतना सर्कमसीजन कर सकते हैं, और पीछे स्किन हो रहा है तो पीछे पूरा स्किन कर लेना है, खोबरे का तेल लेना है या फिर कोई भी लूब्स लेना है, लुब्रिकेटिंग जेल बहुत मिलती है मार्केट में तो वो ले सकते हैं, लुब्रिकेटिंग जेल, कोकोनट ऑयल। जब हमारे तरफ लोग आते हैं तो मेरे पास में एक्सट्रीम ऑयल है, प्रेस्टो ऑयल है, कभी सर हमारे आयुर्वेदिक तेल है हमारे पास में, तो वो आपको नीचे लिंक दिए इसके ऊपर आप यदि कॉल करते तो मिल सकते हैं। तो ऐसे दो बूंद लिंग के ऊपर लगाना है, डालने का है, और ये उंगली ऊपर, इंडेक्स फिंगर, थंब नीचे, और ऐसा जैसा गाय का दूध निकालते हैं वैसा ऐसा अंदर से बाहर ऐसा 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 दूध निकालने जैसा करना है। जो सामने की सुपारी है वहाँ नहीं जाने का है, पीछे गड्ढा जहाँ तक है वहीं जाने का है, और उसको बाहर खींचने का है। यदि वह लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, कर्वेचर है, टेढ़ा है, तो आप उसको ऐसा सीधा कर सकते हैं, ये रबर है, ऐसा सीधा करना है, पकड़ के रखना है। लेफ्ट तरफ झुका हुआ है तो सीधा करना है, पकड़ के झुक, ऐसा पकड़ के सीधा करना है उसको, और कुछ समय तक रुकना है ऐसा दोनों तरफ, मतलब जिधर आपका पेनिस का झुकाव है उसको उसको उल्टा प्रेशर देके ऐसा खड़ा करना है। बहुत ज़्यादा इरेक्शन हो गया तो मालिश रोक देने का है, थोड़ा इरेक्शन है तो एक्चुअली अच्छी पोजिशन है, थोड़ा इरेक्शन है तो मालिश करने के बाद में धोने का नहीं, आप टिश्यू पेपर से मॉप कर सकते हो उसको, मॉपिंग। पार्टनर के साथ में आप ये लिंग का मसाज कर सकते हैं, पार्टनर आपको करवा के दे सकता है, आप अकेले हैं तो अकेले कर सकते हैं, प्राइवेसी रहे तो अच्छा है, शांत वातावरण रहा तो अच्छा है, नहीं तो बाथरूम में भी आप कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि पहले वैक्यूम पंप से उसको थोड़ा इरेक्ट करो और बाद में करो मसाज, तो आप वैक्यूम पंप लगा के भी उसको थोड़ा सा पहले इरेक्शन में ला सकते हैं और मसाज कर सकते हैं। जेलकिंग जो है वो जेलकिंग नहीं करना है। जेलकिंग क्या होता है? जेलकिंग मतलब अंदर मसल टियर होने तक उसको मसाज करना जोर से पकड़ के, मतलब ये इंडेक्स फिंगर है, ये थंब है, अब ऐसा हमने ओ कर दिया, अब ये लिंग है उसको पूरा छोटा कर लेना है वो, और इतना टाइट कर लेना है
बिल्कुल, कि वो लिंक बिल्कुल टाइट जैसा ही पकड़ जाएंगे इसमें, और फिर उसको बाहर खींचना है जोर से कस के, ताकि मतलब अंदर दर्द होने तक। इंटेंशन यह है कि अंदर टियर हो जाएगा, फट जाएगा अंदर का टिश्यू, और जब वो हील होगा तो पेनिस बढ़ाऊंगा। मगर ये मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें नुकसान हो सकता है और इसके लफड़े में पड़ने का नहीं है। 1.5 इंच है तो कोई चिंता ही नहीं है। आपकी पत्नी कोई, आपकी पार्टनर कोई मतलब प्रॉब्लम करती नहीं है, कोई कंप्लेंट करती है, तो कोई सवाल ही नहीं है। पार्टनर की कंप्लेंट करती कि आपका छोटा है, तो ये बार बार आप पूछते हैं करके वो बोलती कि छोटा है, अदरवाइज उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा उसको सेंसेशन क्लाइट्रल स्टिमुलेशन से आता है, तो अंदर कितना भी लंबा और अंदर कितना भी गया है, तभी आप यदि क्लाइट्रल स्टिमुलेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपके पार्टनर को क्लाइट्रल स्टिमुलेशन से आएगा। तो ये करते हैं मसाज, मालिश पेनिस का। इससे नुकसान डेफिनेटली नहीं होगा, होगा तो फायदे होगा, और आप जरूर इसको कर सकते हैं। स्वच्छता रखना बहुत ही जरूरी है, और बेस एकदम अंदर तक, मतलब पेनिस जहाँ अंदर घुसा हुआ है वहाँ से पकड़ना है और उसको ऐसा बाहर खींचना है, ऐसा करना जरूरी है। कुछ लोग ऐसा गाय का दूध निकालते वैसा कर सकते हैं, या कुछ ऐसा आटा बुनते हैं ना, ये ऐसा ऐसा आटा बुनने जैसा ऐसा भी करते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। इससे फ़ायदा डेफिनेटली होगा, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक्साइटमेंट आता है, इरेक्शन होता है, तो आप मास्टरबेशन कर सकते हैं, मगर मास्टरबेशन नहीं किया तो अच्छा है। हाँ, इरेक्शन आता है, पार्टनर साथ में है और ऐसा लगता है कि इंटरकोर्स करना है तो कर लो, मास्टरबेशन ज़्यादातर अवॉइड करो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।